है और इस इंफेक्शन के बाद जिस महिला की उम्र में सेक्स के दौरान बहुत काम रही हो या बहुत ज्यादा व्यस्त होती हो या वह जो है कि असुरक्षित ढंग से इस तरह के सेक्स करती हो तब जाकर उसमें सर्वाइकल कैंसर होता है। अब एक्चुअली में इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती है तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे आम और अधिक मात्रा में विजाइनल से सफेद डिस्चार्ज होता है। क्योंकि इसका लक्षण क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि लक्षण महिलाओं में ये होती है कि जब किसी महिला के इस तरह के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे अगर ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो उस वाइट डिस्चार्ज होने का यह एक कारण बन जाता है। क्योंकि यह उसको जानने का एक तरीका होता है कि हो सकता है कि आप जो है इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, यानी कि वह जो इस तरह का फ्लूड होता है वह एक्चुअली में वो गंदा पानी होता है और सेक्स के बाद ब्लीडिंग का आना, स्पॉटिंग की दिक्कत होना, ये कैंसर बनने वाले सेल में तब तब्दील हो जाते हैं जब इनका लोड शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी महिला का इम्यूनिटी पावर अगर कमजोर होता है, अगर उसमें प्रतिरक्षण जो क्षमता होती है अगर वो कमजोर होती है तो आसानी से इस तरह के सर्वाइकल जो वायरस होता है उसकी चपेट में आ जाता है। और धीरे धीरे जब तक आपको पता चलता है कि आप इस तरह के गंभीर सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ चुके हैं तब तक उसका इंफेक्शन जो है वह किडनी तक पहुंच जाती है और उस स्थिति में आपकी मौत स्वाभाविक हो जाती है। तो मैंने शुरू में कहा कि इससे 18% महिलाएं जो है हर साल ग्रसित होती हैं, जिसमें 9% महिलाओं की मौत हो जाती है, यानी 50% महिलाएं जो है इसके जो है कि मरने के शिकार हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो स्थितियां होती है, जो रिस्क फैक्टर होता है और जिसकी वजह से इस तरह के सर्वाइकल अब कैंसर की चपेट भी आते हैं तो उसमें क्या होता है, ओरल कॉन्सेप्टिव जो लेते हैं आप जो है कि जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए जिस तरह के दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह को सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी बात की अर्ली मैरिज, कम उम्र में जब शादियां हो जाती है तो कम उम्र में शादियां होने के बाद वह जो है कि आपके जो सर्विक्स है उसमें इन्फेक्शन होता है, कहीं ना कहीं असुरक्षित क्रियाकलापों से जो है उसमें घाव बन जाता है, वहां का सेल डैमेज होना शुरू होता है, धीरे धीरे वह पूरी तरह से वह ओवरी को जो है कि अपनी चपेट में ले लेता है। तो इस तरह से अर्ली मैरिज से बचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, हम सेक्सुअल एक्टिविटीज जब असुरक्षित तरीके से करते हैं यानी कि वह बिल्कुल लापरवाह की तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आए होते हैं उस दौरान भी जो है आप रिलेशनशिप बना लेते हैं तो एक्चुअली में यह भी एक जो है कि आपका सर्वाइकल कैंसर का कारण बन जाता है, यानी यह भी नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यानी जब एक से अधिक पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं वह असुरक्षित यौन की तरफ को लेकर जाता है और उससे भी आपको सर्वाइकल कैंसर होता है। इस तरह से आप जो है कि एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशनशिप ना बनाएं और अपने जो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको जो है कि साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वह किसी तरीका से गंदगी से भरा हुआ ना रहे। और चौथी बात यह है कि प्योर जेनिटल जो हाइजीनिक है, जब आपको पीरियड्स आता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर लेती है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हमेशा एक जो है कि मेडिकेटेड जो पैड्स होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो सके। जहां तक बात है इस तरह के भी जो है कि आप चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, साफ सुथरी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए पीरियड्स के दौरान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महिलाएं स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग करने वालों महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा जो है बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें इससे भी बचने की जरूरत होती है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि लगातार कई बार ऐसा होता है कि अभी जो है कि आप प्रेग्नेंट है उसके बाद जो है कि तुरंत प्रेग्नेंट हो गए, इस तरह से प्रेगनेंसी लगातार अगर होती रहती है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो लगातार उसमें कमी आती है। तो अगर आप इस तरह से अपने को बचा सकते हैं तो यकीनन आप जो है कि इस तरह के सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको पैप स्मियर टेस्ट कहते हैं, जिसको कहते हैं पैप स्मियर टेस्ट। इसे कराना जरूरी हो जाता है। यह टेस्ट हर महिला को, हर सेक्सुअली एक्टिव महिला को 50 साल की उम्र तक
हर तीन साल में करवाना चाहिए, यानी वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है उनको चाहिए कि हर तीन साल में इस तरह की टेस्ट जरूर करवाएं, जिस टेस्ट का नाम है मैंने बताया कि पैक्ट एसमिया टेस्ट। इसको कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस तरह के सर्वाइकल कैंसर से किस तरह से सुरक्षित हैं, और यकीनन अगर आप इस तरह से अपने को बचा पाते हैं तो आप जो है कि इस तरह के रोग से मुक्त रह पाएंगे और अपने शरीर में प्रतिरक्षी पावर डेवलप करने के लिए आप जो है कि हरी हरी सब्जियों को खाएं, फलों को खाएं और इस तरह के जो जंक फूड्स है उसका भी इस्तेमाल ना करें, शरीर की स्वास्थ्य और सफाई पर पूरा ध्यान दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। कितने मिनट का था ये, कैसे रुकेगा, क्रॉस करेंगे।